जब जब हम भूत प्रेत के बारे में सुनते हैं तो हमें याद आता है एक डरावनी हवेली, पुराना खंडहर या किसी की मौत। पर आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसी जगह को जो शहर के बीचों बीच है। इस जगह का कोई डरावना इतिहास नहीं है, मगर फिर भी ये जगह इंडिया के मोस्ट 100 प्लेसेस के लिस्ट में आती है। मैं और हमारे टीम का एक मेंबर दिल्ली के एंड पहुंचे, वहां जाकर देखा तो वहां गाड़ियों की चहल पहल एकदम सामान्य थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक भूतिया जगह है। मैंने और दूसरे मेंबर ने एक रूम बुक किया और रात का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे रात ने अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दी, गाड़ियों की चहल पहल एकदम कम हो गई। गाड़ी तो छोड़ो, पर वहां इंसान भी नहीं दिख रहे थे। पूरा एरिया सुनसान सा हो गया था। हम जब रूम में थे तो होटल का ही एक लड़का हमारे रूम में खाना लेकर आया। हमने उससे पूछा, क्या तुम अपना काम करके घर जाने वाले हो? नहीं तो यही रिसेप्शन के पास सो जाऊंगा। वैसे भी रात में उस भूतिया रास्ते से कौन गुजरेगा? भूतिया रास्ता नाम सुनते ही मेरी आंखों में चमक आई। मैंने उससे पूछा, भूतिया मतलब? भूतिया मतलब वहाँ चुड़ैल का डेरा है। क्या तूने देखी है चुड़ैल? नहीं बाबा, मैं तो रात में वहाँ भटकता भी नहीं। मगर कुछ लोगों का कहना है कि पहले वो चुड़ैल गाड़ी के सामने आकर गाड़ी में लिफ्ट मांगती है, अगर आप रुके तो आपको उसका डरावना रूप दिखता है, और नहीं रुके तो वो चुड़ैल गाड़ी का पीछा करती है। क्या सच में ऐसा हुआ है? बाजू वाले भाई साहब भी यही सवाल पूछ रहे थे। बाजू वाले? हाँ, पासी के रूम में एक भाई साहब है जिन्हें आफी की तरह भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है। आप जाके उनसे बात कर लीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर वो लड़का चला गया। मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं चला, मगर ये सुनकर मेरे मन में एक आस जगी कि मेरे जैसा कोई भूतों में दिलचस्पी रखता है। मेरे कदम पड़ोस के रूम की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे पर जाकर मैंने नॉक किया तो एक अधेड़ उम्र के इंसान ने दरवाजा खोला। हेलो सर, मेरा नाम शिवा है। होटल के लड़के से पता चला कि आप भी भूत प्रेत में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए आपसे मिलने चला आया। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर आने का इशारा किया। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। तो तुम्हें भी भूत प्रेत में दिलचस्पी है? जी, मैं यहाँ खास दिल्ली कैंट के राज जानने के लिए ही आया हूँ। देखो, कुछ राज खुलाए नहीं खुलते। मतलब? मतलब मैं भी यहाँ इसी सिलसिले में आया था। यहाँ रहते हुए और दिल्ली कैंट का मुआयना करते हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। तो क्या पता चला सर? कहानी। कहानी? कैसी कहानी सर? यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत साल पहले एक औरत को लिफ्ट देने के बहाने कुछ लड़कों ने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में उसके साथ बुरा काम किया और यहाँ आके उसकी लाश को फेंक दिया। तब से ये औरत गाड़ी से लिफ्ट मांगती है और गाड़ियों का पीछा करती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा? कहानी का तो पता नहीं, मगर शाम के वक्त लोगों में इस जगह का खौफ इस कहानी की सच्चाई को आधार दे रहा है। क्या आप रात में वहाँ गए थे? हाँ, मैं अपनी कार लेकर वहाँ गया था। पहले मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, मगर रास्ता खत्म होने को था, फिर भी कोई सफेद साड़ी पहनी हुई औरत मुझे नहीं दिखी। मगर अचानक मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। अंधेरी रात में मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं अपने गाड़ी चालू करने लगा, मगर मेरे ब्रेक्स और क्लच जाम हो चुके थे। फिर भी मैं जोर लगा के क्लच दबाया और गाड़ी स्टार्ट की। आखिरकार गाड़ी चालू हो गई। तो क्या आपको वो औरत दिखी? नहीं, मैं जब तक अपनी आंखों से कोई चीज नहीं देख लेता, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। तो फिर अचानक आपकी गाड़ी बंद पड़ना और फिर स्टार्ट ना होना, ये भी तो संदेहजनक है। हाँ, मगर ये मेरा डर भी तो हो सकता है, क्योंकि जब आदमी डरा हुआ होता है तो उसका दिमाग और दिल काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा, और कुछ जो आपको पता लगा हो? देखो, जो था वो बता दिया, अब तुम जा सकते हो। जाते वक्त दरवाजा बंद कर लेना। मुझे उस आदमी का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। मैं उस कमरे से बाहर आया और उस रास्ते की तरफ देखने लगा। एक लंबी सांस छोड़कर मैं अपने रूम में चला गया। सुबह हम उस रास्ते पर गए,
पर हमें कोई भी नेगेटिविटी या किसी भी किस्म का डरावनापन नहीं लगा। वहां के कुछ फोटोज और एक खौफनाक कहानी को लेकर हम वहां से रवाना हुए।